बॉलीवुड का चमकता हुआ आसमान और उस आसमान में चमकते हुए बॉलीवुड सितारे। आज इस आसमान की चमक कम हो गई क्योंकि एक चमकता हुआ सितारा आज टूट कर गिर गया। इरफान खान बोलती आंखों के साथ अपने रौब में मदमस्त एक शख्स अपने हुनर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाया जा रहा है, लेकिन अब वो आंखें दोबारा नहीं बोलेंगी, अब वो रौब दोबारा नहीं दिखेगा। आज इरफान से उनका हर एक फैन पूछ रहा है कि आखिर अब गाली पर ताली कैसे बजेगी। इरफान, तुम्हारी फिल्म मदारी का वो डायलॉग कान में गूंज रहा है कि तुम मेरी दुनिया छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। अब कोई डायलॉग को इतना सीरियसली लेता है क्या? लेकिन अगर डायलॉग तुम्हारा हो तो खुद डायलॉग भी सीरियस हो जाता है। सुना है तुम्हारा वो पीकू वाला डायलॉग, डेथ और शिट किसी को कभी भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन हम जैसे करोड़ों दीवानों का क्या जिनके लिए तुमने ठसक कर कहा था हमारी तो गाली पर ताली पड़ती है। वो गहरी आंखें, चेहरों से उलझनों की दास्तान गोई अब दोबारा किसी स्क्रीन पर धमाल कैसे मचाएगी। बड़ी मुश्किल से तो हम स्विट्जरलैंड की वादियों से नाचते खानों से निकलकर बीहड़ में पहुंचे थे, जहां फिल्म पान सिंह तोमर में तुमने कहा था बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं। वलायती सेंट की आदि पीढ़ी ने जब तुम्हारा अभिनय देखा ना तो पान सिंह का पसीना भी उसे परफ्यूम लगने लगा। इतनी आसानी से अब कौन समझाएगा, जैसे तुमने फिल्म द किलर में समझाया था कि बड़े शहरों की हवा और छोटे शहरों का पानी खतरनाक होता है। हमारे जैसे छोटे शहरों से निकलकर मेट्रो में पहुंचने वालों को तमाम लोग मिलेंगे, लेकिन अब तुम जैसा बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये शहर हमें जितना देता है बदले में हमसे कहीं ज्यादा ले लेता है। हिंदी मीडियम में दौड़ते हुए बाप का वो दर्द फिर पर्दे पर यूं नहीं उभर पाएगा। कैंसर ने शायद तुम्हारे उस डायलॉग को ज्यादा सीरियसली ले लिया कि जान से मार देना बेटा, लेकिन पर्दे पर अब भी तुम्हारा अतीत हमें ब्लैकमेल करने आता रहेगा। तुम्हारे बाद भी हमारे पास अभिनय का लंच बॉक्स होगा, लेकिन उसमें वो स्वाद दोबारा नहीं होगा। एक आखिरी बार तुम्हारे फैंस का तुम्हें अलविदा।